हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू जी चैनल लास्ट मिनट रिवीजन विद आर एस एम एंड हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो तो हमने प्रीवियस सेशन में हाउस प्रॉपर्टी कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में सीखा था अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो वो वीडियो पहले जाके देखिए बिकॉज आज हम एक कंबाइंड क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जिसमें हाउस प्रॉपर्टी के साथ सैलरी के भी कुछ पॉइंट्स होंगे और वैसे वाले क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जाते हैं जिसमें आपके दो चैप्टर्स का नॉलेज टेस्ट किया जाएगा नंबर वन इज सैलरी एंड नंबर सेकेंड इज हाउस प्रॉपर्टी तो चलते हैं क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है एंड वी विल नोटिस ये आपके पास फॉर्मेट हमने लास्ट लेक्चर में फॉर्मेट को भी डिस्कस किया था कि सैलरी का फॉर्मेट कैसे है आपने होप कि वो सारे सेशंस ऑलरेडी देखे होंगे तो मैं इसमें ज्यादा टाइम अभी वेस्ट नहीं करूंगा हम सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं देखो ये क्वेश्चन जो है ये बीस मार्क्स का पूछा गया था बिकॉज इस क्वेश्चन में सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी के दोनों पॉइंट्स आपके क्वेश्चन में पूछे गए थे सम uh, है मिस्टर घनश्याम इज एम्प्लॉयड विद एबीसी एज एन एचआर मैनेजर कैलकुलेट द टोटल इनकम फॉर दसेसमेंट ईयर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव एंड वी हैव ऑल द डिटेल्स विद बेसिक सैलरी डी ए हाउस रेंट अलाउंस एक्जेंट वाला भी दिया है परक्ट वैल्यू ऑफ लैपटॉप ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें आपके सिली मिस्टेक होंगे तो ये हम पॉइंट को जब डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बताता हूँ फिक्स मेडिकल अलाउंस एंटरटेनमेंट अलाउंस मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड आपको आई होप के सारे डिडक्शन अब तक क्लियर होंगे ये है आपका एटी डी का डिडक्शन अगर आपको अभी तक क्लियर नहीं है

तो देखो आगे आगे हमको क्वेश्चन में ही ओन्स टू हाउस प्रॉपर्टीज इज गिवन टू यू तो टू हाउस प्रॉपर्टीज इज गिवन नंबर वन एस नंबर सेकेंड एल एंड हियर आर देर आर ऑल डिटेल्स गिवन इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी दिए होंगे जैसे वाटर बिल प्रीमाइसिस मेंटेनेंस ये सारे पॉइंट्स हमारे फॉर्मेट में नहीं आते हैं तो वी विल इग्नोर ऑल दिस पॉइंट्स फ्रॉम आवर क्वेश्चन देन इफ़ यू सी मुंसिपल टैक्सेज तो हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में म्यूनसिपल टैक्सेस शुड बी पेड बाय ओनर इट शुड नॉट बी पेड बाय टेनेंट इफ इट इज पेड बाय टेनेंट वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर द म्यूनसिपल टैक्सेस पेड तो ये हम लोग इग्नोर करने वाले हैं तो अभी फिलहाल सैलरी सॉल्व करेंगे देन वी विल सॉल्व हाउस प्रॉपर्टी फर्स्ट तो देखो सैलरी कैसे सॉल्व करना है तो रूल क्या था हमारा अगर आपके क्वेश्चन में पर मंथ का इन्फॉर्मेशन है तो हम उसको मल्टीप्लाइड बाय ट्वेल्व करेंगे अगर आपके क्वेश्चन में पर एनम का इंफॉर्मेशन है तो हम उसको डायरेक्टली लिखेंगे तो फर्स्ट पॉइंट इज इनकम फ्रॉम सैलरी बेसिक सैलरी आपको क्वेश्चन में दिया था एटी थाउजेंड पर मंथ तो एटी को ट्वेल्व से मल्टीप्लाई किया हमें वैल्यू मिल गया नाइन इन द सेकेंड कॉलम देन डियरनेस अलाउंस पच्चीस पर मंथ दिया था तो पच्चीस हजार मल्टीप्लाइड बाई दैट इज योर थ्री लैक्स वैल्यू ना हाउस रेंट अलाउंस थोड़ा इम्पोर्टेंट है एक बार चेक कर लेते हैं देखो हाउस रेंट अलाउंस कैसे दिया है फिफ्टी थाउजेंड पर मंथ और एग्जेम्ड बोला है ट्वेंटी थाउजेंड पर मंथ तो हमको इसको प्रेजेंट कैसे करना है ट्राई टू अंडरस्टैंड हमने लास्ट लेक्चर में सीखा है ये फिफ्टी थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई ट्वेल्व करेंगे तो यूल गेट सिक्स लैक्स एंड आपका एग्जेप्ट था ट्वेंटी थाउजेंड का तो ट्वेंटी थाउजेंड इन 12 ट्वेल्व करेंगे तो दैट विल बी टू लैक फोर्टी तो सिक्स लैक्स में से जब हम टू लैख फोर्टी को माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा थ्री लैख सिक्सटी थाउजेंड देन नेक्स्ट पॉइंट इज परक्विजिट वैल्यू ऑफ लैपटॉप नाउ दिस परक्विजिट वैल्यू ऑफ लैपटॉप इज नॉट टू बी कंसिडर एज टैक्सीबल द रीजन इज वी हैव परचेज दिज असेट्स तो ये असेट जो है वो हमने परचेज किया है लैपटॉप का यहाँ परक्विजिट वैल्यू दिया है असेट का तो वो हमारे सैलरी चैप्टर में कंसिडर नहीं होगा बिकॉज सैलरी चैप्टर में हम कौन से वैल्यूज लेते हैं परक्विजिट जैसे कि परक्विजिट वैल्यू ऑफ गैस परक्विजिट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिसिटी परक्विजिट वैल्यू ऑफ मोटर कार पर फॉर पर्सनल यूज परक्विजिट वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन वैसे वैल्यूज कंसिडर करते हैं तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिस इज नॉट कंसिडर एज टैक्सेबल सिंस इट इज एन अ और ये कंपनी रिलेटेड पॉइंट्स में नहीं कंसिडर किया जाता है परक्विजिट वैल्यू ऑफ लैपटॉप नेक्स्ट इज फिक्स मेडिकल अलाउंस टैक्सेबल है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड डायरेक्ट एंटरटेनमेंट अलाउंस भी टैक्सेबल है अब हमको क्या करना है वॉट एवर पॉइंट द सेकेंड कॉलम दैट्स वी हैव टू एड तो ये हमको सारे पॉइंट्स एड करने हैं देन वी विल बी गेटिंग द आंसर एज ग्रॉस सैलरी तो ग्रॉस सैलरी हमको आ चुका है सेवनटीन लाख सेवनटीन थाउजेंड तो हमने सबको प्लस कर दिया तो हमें ग्रॉस सैलरी मिल गया सेवनटीन लाख सेवेंटीन थाउजेंड देन हमारा डिडक्शंस आता है तो डिडक्शन अंडर सेक्शन सिक्सटीन ये हमने पढ़ा था लास्ट कैलकुलेश में तीन टाइप के डिडक्शन होते हैं एक होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन सेकंड होता है एंटरटेनमेंट अलाउंस और थर्ड होता है प्रोफेशन टैक्स तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मैंने आपको बताया था फिक्स रूल है फिफ्टी थाउजेंड आपको लिख देना है डायरेक्टली तो फिफ्टी थाउजेंड हमने लिख दिया एंटरटेनमेंट अलाउंस ये जो डिडक्शन है दिस डिडक्शन इज गिवन ओनली टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय दिस क्वेश्चन इज नॉट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इसीलिए यहाँ पे नहीं है प्रोफेशन टैक्स यहाँ पे भी अमाउंट आता है नॉर्मली ढाई हजार यहाँ पर इस क्वेश्चन में नहीं है तो इसलिए यहाँ पे भी हमने नील लिख दिया तो सेवनटीन लाख सेवनटीन थाउजेंड में से फिफ्टी थाउजेंड गया तो आपका आंसर आ गया सिक्सटीन लाख सिक्सटी सेवन थाउजेंड दिस इज़ योर आंसर एंड दिस इज़ इनकम फ्रॉम सैलरी दिस इज़ योर इनकम फ्रॉम सैलरी तो इनकम फ्रॉम सैलरी वी हैव गॉट सिक्सटीन लाख सिक्सटी सेवन थाउजेंड देन हमको अभी सॉल्व करना है हाउस प्रॉपर्टी तो सिक्सटीन लाख सिक्सटी सेवन थाउजेंड सैलरी आ गया देन हाउस प्रॉपर्टी हमको सॉल्व करना है हाउस प्रॉपर्टी विल बी फ्रॉम द क्वेश्चन लेट अस अंडरस्टैंड हाउस प्रॉपर्टी में सबसे पहले यहाँ पे एस है फिर यहाँ पे एल है तो एस में हमको फॉर्मेट बहुत सिंपल है क्या है फॉर्मेट जी ए वी ऑब्लिक एन ए वी सेकेंड कॉलम में नील देन लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन ट्वेंटी फोर इंटरेस्ट ऑन बॉर्ड फंड्स आपके क्वेश्चन में दिया है दो लाख पचास हज़ार लेकिन हमको ईयर देखते हैं ईयर दिया है क्या अगर ईयर दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं दिया है तो भी हमको पता है मैक्सिमम लिमिट ही लेना है ईयर नहीं दिया है तो भी आपको मैक्सिमम लिमिट लेना है मैक्सिमम लिमिट कितना है आपका टू लैख फिफ्टी थाउजेंड आपका क्वेश्चन में दिया था मैक्सिमम लिमिट कितना है टू लैख्स ,00 तो विच एवर इज लेस तो लेस कौन सा है यहाँ पे दो लाख ,00 तो इसलिए हमने दो लाख लिख दिया अब जीरो में से दो लाख अगर माइनस करेंगे तो आंसर आएगा दो लाख नेगेटिव दैट इज़ योर फाइनल आंसर हाउस नंबर वन इनकम फ्रॉम एस आ चुका है देन हमको नेक्स्ट में एल ओ पी सॉल्व करना है एल ओ पी में क्या था ग्रॉस एनुअल वैल्यू तीन पॉइंट्स हमको लिखने हैं पहले म्यूनिसिपल वैल्यू फिर फेयर रेंट फिर एक्चुअल रेंट तो म्यूनसिपल वैल्यू सिक्स लैक्स फेयर रेंट आपके क्वेश्चन में दिया है एट लैक्स एक्चुअल रेंट एटी फाइव थाउजेंड पर मंथ दिया है तो एटी फाइव थाउजेंड इंटू ट्वेल्व करेंगे तो दस लाख बीस अब क्या कहता है रूल विच एवर इज हाइयर तो म्यूनसिपल वैल्यू फेयर रेंट एंड एक्चुअल रेंट इन तीनों में से जो भी हाइयर वैल्यू है दैट विल बी योर ग्रॉस एनुअल वैल्यू विच इज़ रिटर्न ओवर हियर टेन लाख ट्वेंटी थाउजेंड इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू देन म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड आपके क्वेश्चन में है लेकिन क्वेश्चन में दिया था पेड बाय टेनेंट इसीलिए हमको यहाँ पे म्यूनसिपल टैक्सेस नहीं लेने हैं अगर पेड बाय ओनर रहता तो हम लेते दस लाख बीस में से जीरो यहाँ पे माइनस हो गया तो दस लाख बीस आ गया दैट इज योर एन ए वी एन ए वी इज टेन लाख ट्वेंटी थाउजेंड लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन ट्वेंटी फोर हमने लास्ट लेक्चर में किया है स्टैंडर्ड डिडक्शन थर्टी परसेंट ऑफ एन तो जो आपका एन आया इधर दस लाख बीस हज़ार इसका आपको थर्टी परसेंट कैलकुलेट करना है तो टेन लाख ट्वेंटी थाउजेंड का थर्टी परसेंट हमने कैलकुलेट कर लिया दैट इज थ्री लैख सिक्स थाउजेंड इंटरेस्ट ऑन बॉर फंड्स आपके क्वेश्चन में दिया था टू लैक्स तो हमको क्या करना है ये टू लैक्स और ये थ्री लाख सिक्स थाउजेंड ये दोनों वैल्यूज़ को ये दस लाख बीस में से माइनस करना है दस लाख बीस हज़ार माइनस थ्री लाख सिक्स माइनस टू लाख तो वी विल बी गेटिंग द आंसर एज फाइव लाख फोर्टीन थाउजेंड दैट इज़ योर हाउस प्रॉपर्टी एल का आंसर इनकम फ्रॉम एल वी गॉट फाइव लैख फोर्टीन थाउजेंड और एस था दो लाख नेगेटिव ठीक है अभी हमको एस और एल का डिफरेंस लेना है तो एस कितना था एल कितना था पाँच लाख चौदह हजार और एस कितना था दो लाख माइनस तो करना है तो आपको आंसर मिलेगा थ्री लाख फोर्टीन थाउजेंड दैट इज़ योर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी देन हमको सैलरी में हाउस प्रॉपर्टी को प्लस करना है तो सैलरी देखो आपका कितना था पहले ही सॉल्व किया हमने सिक्सटीन लाख सिक्सटी सेवन थाउजेंड तो ये सिक्सटीन लाख सिक्सटी सेवन थाउजेंड में हाउस प्रॉपर्टी थ्री लाख फोर्टीन थाउजेंड ऐड हो गया तो हमको आंसर मिला नाइनटीन लाख एटी वन थाउजेंड दैट इज़ योर ग्रॉस टोटल इनकम जी टी आई डिडक्शन अंडर चैप्टर सिक्स है इन्वेस्टमेंट इन पी आपके क्वेश्चन में दिया था टू लैक्स लेकिन आपको याद रखना है ए का जो लिमिट है वो वन लैख फिफ्टी थाउजेंड ही है उससे ज़्यादा का डिडक्शन नहीं मिलेगा इसीलिए यहाँ पे वन लैख फिफ्टी थाउजेंड है देन देर इज मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम तो मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम है पंद्रह हजार जो क्वेश्चन में दिया था नाइनटीन लैक एटी वन थाउजेंड में से जब हम ये दोनों वैल्यूज को माइनस करेंगे देन वी विल गेट द फाइनल टोटल दैट इज एटीन लैख सिक्सटीन थाउजेंड दैट इज यूर नेट टैक्सेबल इनकम तो दिस इज द क्वेश्चन वी हैव सॉल्व एंड दैट कैरीज ट्वेंटी मार्क्स तो ये ट्वेंटी मार्क्स का क्वेश्चन लास्ट ईयर के पेपर में आया था And this includes two heads of income. Number one was salary, and number second was house property. So your chapter of salary should be also cleared. Your chapter of house property should also get cleared from this. If these two topics are clear, then only we will be able to solve such kind of combined questions. Otherwise, we won't be able to solve such kind of questions. And usually, whenever you get 20 marks question, you'll have this kind of pattern, this kind of paper part in your. क्वेश्चन पेपर सो ट्राई टू सॉल्व सैलरी एज वेल एज हाउस प्रॉपर्टी तो हाउस प्रॉपर्टी में अभी हमने ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया है ये सिंपल लेवल्स है अगले लेक्चर में जब हम एक और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें एक नया लेवल सॉल्व करेंगे एंड दैट विल बी स्टैंडर्ड रेंट का टाइप तो स्टैंडर्ड रेंट का टाइप हम अगले लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें फ्रेंड्स में शेयर करें एंड चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू वेरी मच मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट सेशन में बाय बाय टेक केयर